महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पूरे जनपद में धूमधाम और स्वच्छता के संदेश के साथ मनाई गई। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ध्वजारोहण किया। यहां पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह और नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी के अलावा अन्य अधिकारियों ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित। इस अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर नगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की, ध्वजारोहण किया तथा पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने और भी मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से योगदान करने, सदैव अहिंसा का पालन करते हुए समस्त विवादों को शांतिपूर्वक और संवैधानिक उपायों द्वारा हल करने की शपथ भी दिलाई। जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में भी गांधी हुए शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहां बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। हरदोई रेलवे स्टेशन पर भी गांधी जयंती पर शास्त्री जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। यहां CMI अंबुज मिश्रा, स्टेशन अधीक्षक नरसी लाल मीणा, स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशन मनीराम, स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशन कॉलोनी अखिलेश, टिकट परीक्षक चंद्रशेखर, निर्माण निरीक्षक महेंद्र, RPF के संजीव कुमार, टिकट कार्यालय के प्रभारी किरण देवी, विद्युत विभाग के इंजीनियर अभिषेक सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी ने सत्य शब्द दृढ़ता न्याय अहिंसा त्याग के पुजारी बापू हुआ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं के साथ गांधी व शास्त्री जी की जयंती मनाई। सीतापुर रोड स्थित बंजारा बाबा के निकट संचालित CS अकेडमी में प्रबंधक कमलेश कुमार सिंह ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।